अब आज उसके खास बुलेटिन में ले चलते हैं मथुरा की ओर, जहां मथुरा के एएसपी गौरव ग्रावर अब सख्त हुए नजर आए। आपको बता दें कि अधीनस्थ लोगों को अब कार्रवाई देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि अपराधियों पर अब लगाम खिंच सके। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और शासन द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ थाना कोसी कला पर बैठक की गई है, जिसमें SPRA साहब, CO छाता साहब, SHO और उनके सभी चौकी इंचार्ज इसमें मौजूद रहे हैं। उनसे फीडबैक लिया गया है कि थाना क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे संगठित अपराधी हैं, माफिया हैं या तस्कर हैं जो लंबे समय से अपराध कर रहे हैं, उनके संबंध में जानकारियां जुटाई जाएँ, उनके ऊपर गैंगस्टर गुंडा वे अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाए, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी की जाए। इसके साथ साथ जो पेशेवर अपराधी हैं, जो लूट की घटनाएं करते हैं या तस्करी की घटनाएं करते हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए, उनकी भी लिस्ट बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष रूप से त्यौहारों के समय पर, आयोजनों के समय पर पहले से अपनी तैयारी करके रखें, जनता के साथ समन्वय बना के रखें और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, गुंडागर्दी रहित माहौल बनाने के लिए सभी प्रयास करें। और जो पेंडेंसी है हमारी विवेचनाओं की, उसकी भी समीक्षा की गई है। 2021 और 2022 की जो पेंडेंसी है उसको जल्दी निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को भी बताया गया है कि नियमित रूप से थाना क्षेत्र का भ्रमण करें। जो पैदल गश्त है उसके ऊपर भी सभी जो है सभी अधिकारी टीम बनाकर के पैदल गश्त करें नियमित रूप से, और विशेष रूप से महिला संबंधी जो हमारे अपराध हैं, महिला हेल्प डेस्क भी हमारे बना हुआ है, उनको प्रायोरिटी पे लेते हुए कोई भी महिला के साथ किसी प्रकार का अपराध ना हो सके, और अगर एक अपराध होता है तो अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई।